नमस्कार, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। सेमीकंडक्टर की किल्लत से फरवरी में भी वाहनों की बिक्री अपनी फुल स्पीड नहीं पकड़ पाई। महामारी के बाद सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद को रूस यूक्रेन युद्ध ने बेपटरी कर दिया। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले महीने 8% से ज़्यादा गिरकर 1,40,000 यूनिट रही। फरवरी 2021 में कंपनी ने करीब 1,53,000 यूनिट की बिक्री की थी। मारुति की तरह ही हुंडई, होंडा और टोयोटा जैसी कंपनियों की बिक्री 14% से लेकर 38% तक घटी है। मूडीज एनालिटिक्स का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ेगी। चिप प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए ये दोनों देश प्रमुख सप्लायर हैं। चिप बनाने में नियोन और हीलियम गैस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये दोनों गैसें ज़्यादातर यूक्रेन से ही आती हैं। सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाली दूसरी खास चीज़ है पैलेडियम। दुनिया भर में कुल पैलेडियम भंडार में से 1/4 हिस्से पर रूस का ही कब्जा है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कच्चे माल के संकट की दीवार खड़ी कर दी है। मूडीज का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से एशिया महाद्वीप में ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण पर बुरा असर पड़ सकता है, यानी ऑटो इंडस्ट्री अभी हिचकोले लेती रहेगी और हमें आपको नई कार के लिए लंबा इंतजार करते रहना होगा।